दोस्तों ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे शिव जी को प्रसन्न करने के कुछ बहुत ही छोटे छोटे उपाय। शिव जी अघोरियों के देवता हैं, शिव जी देवों के देव हैं, शिव जी शमशान निवासी हैं, साथ ही साथ शिव जी गृहस्थ लोगों के भी देवता हैं। कौन से एक दो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों का हम ध्यान रखें शिव जी का पूजा करते समय, जिससे शिव जी जल्द से जल्द प्रसन्न हो और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जी हाँ, सारी मनोकामनाओं को। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, शिव जी की पूजा करते समय ऋतु फल अवश्य चढ़ाएं। ठंड हो तो ठंड से संबंधित फल, गर्मी का दिन हो तो गर्मी से संबंधित फल, और बरसात हो तो मानसून से संबंधित फल। नंबर एक। नंबर दो, हम सभी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके ऊपर बिल्व पत्र अवश्य अर्पित करते हैं, लेकिन बिल्व पत्र को तोड़ना कुछ विशेष दिन है जिसमें निषिद्ध है। नंबर एक, सोमवार के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ा जाता। महीने में 4 से 5 सोमवार पड़ते हैं, सोमवार के दिन बिल्व पत्र तोड़ना मना है। शास्त्रोक्त प्रमाण है इन सब चीज़ों का, शिव पुराण में यह सारी चीज़ें उल्लेखित हैं। नंबर दो, अमावस्या के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ा जाता है। नंबर तीन, संक्रांति के दिन, बेसिकली हम लोग मकर संक्रांति को ही जानते हैं क्योंकि उस समय बहुत बड़े लेवल पे लोग पूजा पाठ करते हैं, लोग उसे बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। असल में हर महीने में एक संक्रांति होती है, सूर्यदेव जब एक राशि से निकलकर दूसरे राशि में जाते हैं तो उसे संक्रांति का दिन कहा जाता है। जिस साल जिस महीने में वो एक नए राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को संक्रांति का दिन कहा जाता है। इस प्रकार से 12 महीने में 12 संक्रांतियाँ आती है। मोटा मोटा हर संक्रांति 15 तारीख के आसपास आती है, एक दो दिन आगे एक दो दिन पीछे, इससे ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। आपके घर में जो कैलेंडर होगी जिसमें तिथि तिथि लिखा रहता है उसमें आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही इजी गोइंग तरीके से यह चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं तीन तरह के दिन बताया, नंबर एक चारों पांचों सोमवार महीने में जो पड़े, नंबर दो अमावस्या का दिन, और नंबर तीन संक्रांति का दिन। ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु यह है कि शिव जी में जो अक्षत चढ़ाया जाता है वह छत विछत नहीं होना चाहिए। शिव जी में जो चावल चढ़ाया जाता है वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ 2 दाने चढ़ाएं, 4 दाने चढ़ाएं, लेकिन शिव जी में टूटा हुआ चावल ना चढ़ाए। चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं हमारे चौथे विषय वस्तु पर। चौथा बिंदु यह है कि देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उस स्थिति में आप शिव जी के ऊपर में कच्चा दूध के साथ काला तिल मिलाकर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़वाएं, इससे बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। नंबर पाँच, यदि कोई व्यक्ति की शादी नहीं हो पा रही है, खासकर कन्याओं के लिए यह उपाय है, तो आप कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करवाएं, इससे लड़कियों के विवाह का, इससे कन्याओं के विवाह का बहुत ही जल्दी योग बन जाता है। यह 4-5 कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, इन नियमों को आप पालन करें, इससे शिव जी जल्द से जल्द आपके पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त देंगे। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नई विषय वस्तु के साथ आपके सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय श्री राम।